दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि आप किसी भी शादीशुदा औरत को या भाभी को सिर्फ कुछ ही दिनों में ही पटा लोगे। दोस्तों, इसके कुछ मुद्दों पे भी हम बात करेंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं या क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या इसके तरीके होते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, ये तरीका आपको 100% रिजल्ट ज़रूर देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने से बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत को या भाभी को पटाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप अगर ठीक से बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप उन्हें कुछ ही दिनों में पटा लोगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप अगर किसी शादीशुदा औरत को या भाभी को पटाते हो तो इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। अगर आप में कुछ कमी है तो भी वो समझ लेगी। आप दिखने में ज़्यादा अच्छे ना भी हो तो भी वो समझ लेगी। आपको पैसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ोन का बिल बढ़ाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या फिर इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और नुकसान की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही नुकसान है, और वो बड़ा नुकसान है। अगर आप गलती से भी पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो चलिए, अब मैं आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताता हूँ जो कि आजमाए हुए तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 7 दिन का एक शेड्यूल बनाना है। जिस भी भाभी को आप पटाना चाहते हो वो अगर आपके आसपास में हो, 7 दिनों तक हर ऐसे वक्त पर जब वो घर से बाहर आती हो, ऐसे वक्त पर आपको उनके सामने जाना ही जाना है। और उनके सामने जाने के बाद उनको छोटी सी एक स्माइल दे देनी है और बिना कुछ बोले आपको वहाँ से आ जाना है। दोस्तों, आपको ऐसे 7-8 दिनों तक बस यही करना है। ऐसा करने के बाद आपको 2-4 दिनों तक वहाँ से गायब हो जाना है और उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके ऐसा करने से वो औरत या भाभी बेचैन हो जाएगी और आपकी राह देखने लगेगी, आपका इंतज़ार करने लगेगी। दोस्तों, ऐसे वक्त पर आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। फिर 2-4 दिनों बाद आपको एक अच्छा सा मौका देखकर आपको उनसे डायरेक्ट मिलना है, उनसे बात करनी है कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। फिर आपको बात आगे बढ़ानी है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस भी औरत का पति उसे खुश नहीं रख पाता है या उसे परेशान करता है, मारता पीटता है या पति शराबी है, ऐसे परेशानी में फंसी औरतें ही खुशी पाने के लिए किसी और पुरुष से दोस्ती करती है। ऐसे वक्त पर आपको करना यह है कि आपको उनको सहारा देना है, उनसे बातें करनी है, उनसे ऐसी बातें करनी है जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी बहुत फिक्र करते हो। दोस्तों, शादीशुदा औरतों को या भाभियों को बहुत ही सुंदर, डैशिंग या पैसे वाले लड़के पसंद नहीं होते। उन्हें वही लड़के पसंद होते हैं जो कि उन्हें समझे, उनका सहारा बने। दोस्तों, ये सब काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से करना है, क्योंकि औरतों को जल्दबाजी पसंद नहीं होती है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पटाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।